इंग्लैंड के नोरफॉक में स्थित रेहम हॉल 400 साल पुराना है। आज की तारीख में इसका नाम दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में होता है। इस हॉल का इतिहास किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस हॉल में ब्राउन लेडी की आत्मा भटकती है। ब्राउन लेडी, जिनका असली नाम लेडी डोरोथी वॉलपोल है, जो कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री की बहन थी। लेडी डोरोथी की शादी उनके पिता ने जबरदस्ती एक ब्रिटिश राजनेता चार्ल्स टाउनसेंड से करा दी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के माने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही गुस्से में लेडी डोरोथी को एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद सन 1726 में उनकी मौत हो गई थी। शादी से पहले लेडी डोरोथी का अफेयर लॉर्ड से चल रहा था, जिसकी भनक उनके पिता को लग गई थी। उनके पिता को लॉर्ड नापसंद थे, जिस वजह से उनकी शादी जबरदस्ती चार्ल्स टाउनसेंड से करा दी गई थी। लेडी डोरोथी के पति अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें जब कहीं से यह खबर मिली कि शादी के बाद भी लेडी डोरोथी अपने पुराने प्रेमी से मिलती हैं, तो उन्होंने डोरोथी को एक कमरे में बंद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि डोरोथी कई सालों तक उसी कमरे में बंद रही थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार करते हुए ये भी कहते हैं कि उनकी मौत कमरे में बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि लंबी बीमारी के कारण हुई थी। कुछ लोग का यह भी मानना है कि लेडी डोरोथी की आत्मा अपने बच्चों से मिलने के लिए आज भी भटकती है। आखिर कैसे कमरे में कैद हुई थी ब्राउन लेडी की आत्मा? दरअसल 1936 में रेहम हॉल के अंदर लंदन की जानी मानी मैगजीन कंट्री लाइफ के फोटोग्राफर्स फोटोशूट करने गए थे, लेकिन फोटोशूट के दौरान उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ले ली थी जिसने उस दौर में सनसनी मचा दी थी। ऐसा माना जाता है कि इस तस्वीर में ब्राउन लेडी की आत्मा कैद हो गई थी। हॉल की सीढ़ियों से उतरती इस धुंधली आकृति को पहली बार फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने देखा था। इस तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए जैसे ही उसने फ्लैशलाइट ऑन किया, वो धुंधली आकृति गायब हो गई। उसने तस्वीर तो ले ली, पर किसी को यकीन नहीं था कि उस कैमरे में कुछ कैद भी हुआ है। लेकिन बाद में तस्वीर देखने पर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इस भूत की तस्वीर को एडिट किया गया है, यानी कि जो भूत की तस्वीर ली गई है वो सच्ची नहीं, बल्कि उसे एडिट करके इस प्रकार धुंधला बनाया गया है। कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज भी लेडी डोरोथी की आत्मा रेहम हॉल में भटकती है। वहां पर कई लोग इस आत्मा को महसूस कर चुके हैं। अगर आपको इस टॉपिक पर बनाई गई हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।